नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने चैनल BSA ट्रिकी क्लासेस में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज हमारे GS का 24 लेक्चर है। आज हम हिस्ट्री के टॉप मोस्ट 30+ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो इसलिए अगर आप लोग दोस्तों इन 30 में से अगर 10 सवालों का जवाब जानते हैं, इसका मतलब आप लोग की तैयारी जो है बहुत ही अच्छी चल रही है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों ने 30 में से 10 सवाल का अगर आप लोग को जवाब पता है, तो इसका मतलब आप लोग की तैयारी बेटर चल रही है। और अपनी तैयारी को बेस्ट करने के लिए बने रहिए सिर्फ और सिर्फ BSA ट्रिकी क्लासेस को, और देखते रहिए सिर्फ और सिर्फ इसे ही। फिलहाल बात करते हैं आज की हिस्ट्री के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की। अगर आप लोग दोस्तों चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आप लोगों को ऐसे ही क्वेश्चन मिलते रहें जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं, बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की कि हड्डी से निर्मित मातृ देवी की उच्च प्रस्तर युगीन आकृति प्राप्त हुई है। तो यह प्राप्त हुई है बेलन घाटी से। कहां से? बेलन घाटी से। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 की कि संघावो गुफा पूरा स्थल है। तो ये आपका निम्न पूरा पाषाण काल का एक पूरा स्थल है। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की कि निम्नलिखित में से किस शिलाश्रय से मानव समाधान के प्रमाण मिले थे। तो ये मिले थे जो मानव समाधान के प्रमाण वो मिले थे आपके लेखिया शिलाश्रय प्रथम से। इसके बाद देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, निम्नलिखित में से कौन भारत में प्राप्त सबसे बड़ा हड़प्पीय स्थल है। तो सबसे बड़ा जो हड़प्पीय स्थल है उसका नाम है राखीगढ़ी। राखीगढ़ी जो है भारत में प्राप्त सबसे बड़ा हड़प्पीय स्थल है। इसके बाद बात करते हैं द्योत क्रीड़ा जिस कर्मकांड का अंग थी वह क्या है। तो वह है राजसूय। वह राजसूय है, द्योत क्रीड़ा जो थी कर्मकांड का जो अंग थी वह है राजसूय। तो एक दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप लोग इसमें से कम अगर दस सवालों के जवाब भी जानते हैं, तो आपकी तैयारी जो है बेटर चल रही है। जी हाँ दोस्तों, और हाँ, हमने जैसे कि रेलवे वाले अगर क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर आए थे, जो भी हमने केमिस्ट्री के जैसे कि आप लोगों के लिए लाए थे, तो ये नहीं समझना है कि वो रेलवे वालों के लिए, ठीक है, क्योंकि वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो वो आप लोग के एग्जाम में भी आ सकते हैं। इसलिए आप लोग उन क्वेश्चन को भी देख लिया कीजिए। अगर आप लोग को आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आते तो आप लोग नोट कर लिया करिए, वरना मैं आप लोग को उसकी PDF फाइल प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप लोग उससे आप लोग डाउनलोड करके पढ़ लिया कीजिए, ठीक है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, यजुर्वेद की निम्नलिखित संहिताओं में से केवल जो है सूक्त है, ठीक है, किसमें जो है केवल सूक्त ही है, गद नहीं है। तो वो है आपकी बाजसनेही। बाजसनेही में केवल सूक्तियाँ हैं, इसमें गद नहीं है। इसके बाद बात करते हैं गंगा और यमुना नदियों का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है। तो उस गंगा और यमुना नदी का जो है सर्वप्रथम जो उल्लेख है वो भी हमें ऋग्वेद से मिलता है। और इसके बाद बात करते हैं जो आपका जैन धर्म का क्वेश्चन है कि प्राचीनतम जैन कांस्य मूर्तियाँ कहाँ से प्राप्त हुई हैं। तो सबसे प्राचीनतम जो है वो आपकी जैन कांस्य मूर्तियाँ वो आपकी चौसा से प्राप्त हुई हैं। कहाँ से दोस्तों? चौसा से प्राप्त हुई हैं। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में आपके एक साथ 4 टॉपिक क्लियर होंगे। क्या है? आचार्य है और उनसे रिलेटेड धर्म है। तो बात करते हैं हरिभद्र आचार्य की। तो ये आचार्य हैं हरिभद्र जी, इनका जो धर्म है वो है जैन धर्म। इसके बाद जो आचार्य हैं उनका नाम है लकुलीश। लकुलीश आपके शैव धर्म से संबंधित हैं। और नाथ मुनि की बात करें, नाथ मुनि आचार्य की, तो आचार्य जो नाथ मुनि हैं वो आपके वैष्णव धर्म से संबंधित हैं। और लास्ट में बसुबंधु, तो बसुबंधु जो हैं वो आपके, तो इस तरीके से आप लोगों ने आज 4 आचार्य और उनके धर्मों के बारे में जाना है। बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 की कि घोषाल की महावीर स्वामी से सर्वप्रथम मुलाकात हुई थी। तो घोषाल की महावीर स्वामी से सबसे पहले जो मुलाकात हुई थी वो हुई थी नालंदा में। कहाँ हुई थी दोस्तों? नालंदा में हुई थी। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की कि जैन मत में जो है संथारा का मतलब क्या है, संथारा से क्या तात्पर्य है, आइए इसके बारे में जानते हैं। जो लोग उपवास द्वारा प्राण त्यागने का एक अनुष्ठान है जैन मत में, इसको संथारा कहा जाता था। यानी कि भूखे प्यासे रह के एक प्राण त्यागने के लिए एक अनुष्ठान रखा गया है जिसका नाम है संथारा। तो जैन मत के अकॉर्डिंग इसका जो नाम है, इससे जो तात्पर्य है, उसका जो नाम रखा गया संथारा, इसके अंतर्गत उपवास द्वारा प्राण त्यागने का एक अनुष्ठान है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की कि प्रांतीयत्य समुत्वाद का सिद्धांत संबंधित है। तो ये आपका प्रांतीयत्य समुत्वाद का जो है आपका सिद्धांत, वो आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए 13 क्वेश्चन में थोड़ा सा आप डिटेल जानेंगे। एक कथन दे रखा है जैसे कि गौतम बुद्ध ने अपने सर्वाधिक वर्षावास श्रावस्ती में किए थे। तो जो उन्होंने सबसे ज़्यादा जो थी वर्षवास वो आपके श्रावस्ती में किए थे, ठीक है। और कारण एक देखिए क्या है, कौशल के राजा प्रसेनजीत और गौतम एक ही आयु के थे। यानी कि जो आपके प्रसेनजीत थे और गौतम बुद्ध जो थे एक ही आयु के थे। और कथन दोनों ही सही हैं, लेकिन कथन की जो है सही व्याख्या कारण नहीं दे पा रहा है।
ठीक है, क्योंकि कथन आपका क्या है कि वो हमारे जो बुद्ध भगवान हैं, जो गौतम बुद्ध जी हैं, इन्होंने सबसे ज़्यादा जो है वर्षावास श्रावस्ती में किए थे, लेकिन जो इसका कारण है वो सही नहीं है, लेकिन दोनों बातें जो कही गई बिल्कुल सही हैं। तो अगर क्वेश्चन आपका आ जाता है ऐसे कि गौतम बुद्ध ने सबसे ज़्यादा वर्षावास कौन से स्थान पर किए थे, तो वो आपके श्रावस्ती में किए गए थे, और क्या जो है आपके राजा जो प्रसेनजीत हैं वो किसके समकालीन थे, तो वो आपके गौतम बुद्ध जी के समकालीन। तो इस तरीके से आपके चार पांच क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। फिलहाल बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की, कि निम्नलिखित में से किसे स्त्री धन के लिए प्रथम उत्तराधिकारी माना जाता है। तो स्त्री धन के लिए सर्वप्रथम जो है उत्तराधिकारी माना जाता है पुत्री को। बात करते हैं याज्ञवल्क्य की पद्धति में पुत्रहीन मृतक के उत्तराधिकारी क्रम में निम्नलिखित में से किसका स्थान प्रथम है। तो यहाँ पर जो है पत्नी को स्थान प्रथम दिया जाता था, अगर पुत्रहीन कोई मृतक व्यक्ति है तो उसके उत्तराधिकारी के रूप में यहाँ पर पत्नी को प्रथम स्थान दिया जाता था। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की, कि निम्नलिखित में से किस राज परिवार में पुरुष प्रिया ब्राह्मण धर्म का पालन करने वाले थे और स्त्रियाँ जो थीं बौद्ध धर्म की थीं। यानी कि जो वहाँ के राज परिवार के जो पुरुष थे वो हमेशा ब्राह्मण धर्म का पालन करते थे, और जो वहाँ की स्त्रियाँ थीं वो बौद्ध धर्म की थीं। तो वो है राज परिवार आपका इक्ष्वाकु। इक्ष्वाकु राज परिवार में क्या होता था, पुरुष जो थे प्रिया ब्राह्मण धर्म का पालन करते थे और स्त्रियाँ जो थीं बौद्ध धर्म का पालन करती थीं। तो दोस्तों आज के क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आप लोग बताइएगा हमें कि आप लोगों के कितने क्वेश्चन जो है आप लोग को इसमें आते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा वीडियो को। फिलहाल बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो आपके प्राप्ति स्थलों से जो संकेत मिलते हैं, तो आपका जो बेटवार प्रकार के सिक्के हैं ये कहाँ प्रचलित थे। तो आपके जो बेटवार प्रकार के सिक्के थे गांधार में चलते थे। कहाँ पर, गांधार में। और बात करें सिक्कों के, किस समुदाय में जो था पृष्ठभाग के प्रतीक पूर्व भाग पर अंकित राजा के नाम से मेल खाते थे, वो था मालव। तो निम्नलिखित में से सिक्के के किस समुदाय में पृष्ठभाग के प्रतीक पूर्व भाग पर अंकित राजा के नाम से मेल खाते थे, वो था मालव। और इसके बाद दोस्तों बात करते हैं निम्नलिखित पश्चिमी लेखक जिनकी कृतियां प्राचीन भारतीय सांस्कृतिक इतिहास के लिए महत्वपूर्ण स्रोत हैं, उनका कालानुक्रमण लिखना है, यानी कि सही लिखना है। तो सबसे पहले निर्याकस, उसके बाद है स्ट्रेबो, उसके बाद है पेलनी, और उसके बाद है टॉलेमी। ठीक है, तो इनकी कृतियां हैं जो प्राचीन सांस्कृतिक इतिहास के लिए महत्वपूर्ण स्रोत हैं। तो हमने काल वाइज आपको बता दिया है। इसके बाद बात करते हैं निम्नलिखित में से किस मौर्य स्तंभ या फिर किन स्तंभ पर सिंह शीर्ष का है। तो आपका पहला है आपका सारनाथ स्तंभ, ठीक है, दूसरा है आपका सांची स्तंभ, तीसरा है आपका कोल्हुआ स्तंभ, और चौथा है लौड़िया नंदनगढ़ स्तंभ। ठीक है, तो इन स्तंभों में क्या है, मौर्य स्तंभ पर जो है शीर्ष जो है इनका सिंह का है। ठीक है, तो सिंह शीर्ष का ये स्तंभ बने हुए हैं। इसके बाद बात करते हैं अशोक ने गया जिले में बराबर पहाड़ियों पर किसके लिए गुफाएं खुदवाई थी। तो इन्होंने खुदवाई थी आजीवक के लिए। किसके लिए दोस्तों गुफाएं खुदवाई थी अशोक ने गया जिले में, आजीवक के लिए। चलिए बाद करते हैं और महत्वपूर्ण प्रश्नों की। बात करते हैं तेवारम किन सैभ संतों के गानों यानी कि भजनों का संग्रह। तो जो आपका जो है यह है पर, फिर आपके संबंधर, सुंदरर और माणिक्य वाचकर। तो इन चारों के जो हैं, ये तेवारम जो है इन चारों के सैभ संतों के गानों का संग्रह है। इसके बाद देखिए दोस्तों बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह दक्षिण भारत के पूर्वी तट पर, वो है आपका कावेरी पत्तनम, या फिर उसको कहेंगे कावेरी पत्तनम और कौरके। तो ये दो जो हैं आपके बंदरगाह वो दक्षिणी भारत के पूर्वी तट पर स्थित हैं। और बात करें अभिलेख की, तो किस अभिलेख में पुष्यमित्र द्वारा दो अश्वमेघ यज्ञ का संपादन का उल्लेख मिलता है, तो वो है आपका धनदेव का अयोध्या अभिलेख। इसके बाद देखिए बात करते हैं हाथी गुम्फा अभिलेख के सात करणी का समीकरण किया जाता है, वो आपके सात करणी प्रथम से मिलता है। और देखिए यहाँ पर फिर से आपको क्वेश्चन मिला है, एक कथन दे रखा है मिताक्षरा के अनुसार पिता अपने जीवन काल में अपने पुत्रों के मध्य अपनी संपत्ति का बंटवारा कर सकता था। बिल्कुल ये कथन आपका सही है, जो आपके मिताक्षरा के अनुसार जो था पिता अपने जीवन सर्कल में, अपने लाइफ सर्कल में क्या करता था, पुत्रों के मध्य अपने लड़कों के बीच में क्या करता था, अपनी संपत्ति का बंटवारा कर सकता था। और कारण दे रखा है उसका जो कि मिताक्षरा ने पैतृक संपत्ति में पुत्र का जन्मदत्ता जो है समझ स्वीकार नहीं किया था, तो ये कारण बिल्कुल गलत है, लेकिन आपका कथन जो है वो सही है। तो आप लोग समझ गए, अगर मिताक्षरा की बात होगी तो वहां उसके अकॉर्डिंग क्या पिता जो है अपने पुत्र को अपनी संपत्ति का हिस्सा दे सकते थे। फिलहाल बात करते हैं अगले कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों की, कि 1121 ईस्वी के एक अभिलेख में एक आयुर्विज्ञान जो है संस्था का उल्लेख मिलता है, जहां चरक संहिता और बाण भट्ट के अष्टांग हृदय की पढ़ाई होती थी, वह कहां स्थित था। तो वो स्थित था आपका तिरुवाडु तुर्रे। ठीक है, कहां स्थित था वो आपका तिरुवाडु तुर्रे में स्थित था। कौन कौन से हैं यहाँ पर जो आयुर्विज्ञान की संस्था को उल्लेख मिल रहा है, एक तो आपकी चरक संहिता है और एक आपके बाण भट्ट के अष्टांग है। तो ये जो स्थित थे वो आपके त्रिवाडु तुर्रे में स्थित थे।
इसके बाद दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की। दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की कि राष्ट्रकूट राजा दंते दुर्ग ने हिरण्य गर्भ महादान समारोह अनुष्ठान कहाँ मनाया था? तो ये मनाया था उज्जैन में। ठीक है, कहाँ मनाया था दोस्तों? उज्जैन में राष्ट्रकूट राजा दंते दुर्ग ने हिरण्य गर्भ महादान समारोह का ये अनुष्ठान उज्जैन में मनाया था। आइए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 के, जिसमें हम लोग जानेंगे लेखक और उनके आश्रयदाता के बारे में। तो बात करते हैं इसमें आप लोग चार लोगों के बारे में जानेंगे। पहला है हेमादि। तो हेमादि लेखक के जो आश्रयदाता थे वो थे यादव महादेव। इसके बाद बात करते हैं धनपाल की। तो धनपाल लेखक के आश्रयदाता हैं परमार भोज, श्रीहर्ष लेखक के गहड़वाल जयचंद्र आश्रयदाता हैं, और अंत में बात करते हैं राजशेखर की। तो राजशेखर लेखक के जो आश्रयदाता हैं वो हैं प्रतिहार महेंद्रपाल, इनके आश्रयदाता हैं। तो दोस्तों हमने एक ही क्वेश्चन में आज चार लेखक और उनके आश्रयदाता के बारे में जाना है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। तो निम्नलिखित मंदिरों में से किस में वर्ष 2010 में अपने निर्माण के सहस्त्र वर्ष पूर्ण करने का उत्सव मनाया गया था? तो वो मनाया गया था तंजावुर के बृहदीश्वरनाथ मंदिर में। ठीक है, कहाँ पर? तंजावुर के बृहदीश्वरनाथ मंदिर में 2010 में अपने निर्माण के सहस्त्र वर्ष पूर्ण करने का उत्सव मनाया गया था। तो दोस्तों आई होप आप लोग को आज के क्वेश्चन पसंद आए होंगे। वीडियो को आप लोग लाइक कीजिएगा और आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों जो है इसमें 30 क्वेश्चन में से कितने का जवाब आप लोग जानते हैं। इसके लिए कमेंट कीजिएगा कितने क्वेश्चन आप लोग को आते हैं। ठीक है, तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्योंकि हम आप लोग के लिए ऐसे ही क्वेश्चन लाते रहेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी आप लोगों के लिए यहाँ पर हेल्पफुल रहेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं आप लोगों के लिए आज, इस क्वेश्चन का थोड़ा सा लेवल जो है आज। तो कमेंट करके बताइएगा कैसा आपको क्वेश्चन आप लोगों को लग रहे हैं। और अभी आप लोगों ने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों आप लोगों से फिर एक इसके अगले पार्ट में। तब तक के लिए नमस्कार।